हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड 10 का 1.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। उसमें से एक तो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है स्टेटमेंट? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस डिकम्पोजिशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम नंबर्स या प्रॉपर प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी आप किसी भी नंबर को, हर एक नंबर को आप प्राइम के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस खाली उनका ऑर्डर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 6 को यू कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, वेयर 2 इज अगेन अ प्राइम नंबर, 3 इज अगेन अ प्राइम नंबर। सिमिलरली 231 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11, वेयर 3, 7 एंड 11 बोथ आर नथिंग बट द प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो फैक्टर ट्री मेथड है, जिससे हम क्या करेंगे, 140 को, क्वेश्चन है आपका 140, क्वेश्चन है 156, 3825, 5005 एंड 7429, इन सारे को इनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका 140 है, 140 तो हम देखेंगे इसे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करना है, पहले आप 2 से चेक करो कट होता है कि नहीं, देन 3 से, देन 5 से, देन 7 से, देन 11 से एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स का फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर से इनको डिवाइड करना है, प्राइम नंबर्स इनको डिवाइड करना होता है। ठीक है, इफ़ 140 इज डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 70, राइट। सो 140 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 70। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास बचता है 70, तो 70 के भी 2 फैक्टर हो जाएंगे, कौन सा, 2 एंड 35। 2 से आप 70 को डिवाइड करो, यू विल गेट 35 एज अ क्वेश्चन। तो 2 इंटू 35 क्या हो जाएगा आपका, 70। नाउ अगेन 70 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 35 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक 5 इंटू 7। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ ये है, देखिए एक तरफ देखते जाइए, फिर से बताता हूँ लिखने का तरीका। नॉर्मल जो ऐसे आप फैक्टराइज करते हो ना, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो, फैक्टराइज करते हो, तो 240 डिवाइडेड बाई 2, देन आपके पास मिला 70, देन 70 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 35, देन 35 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 7। तो स्टेप वाइज कैसे बॉक्स बना के आपको लिखना है फैक्टर ट्री मेथड से, देखिए आप यहाँ पे 140 लिखोगे, 140 लिखा आपने, यहाँ पे 2, यहाँ पे 70 आपने लिख दिया। ठीक है, अगेन ये 70 था, 70 के 2 फैक्टर 2, 35 लिख दिया, फिर यहाँ पे 35 के 2 फैक्टर 5 एंड 7 लिख दिया, और यहाँ पे आप क्या करोगे, रुक जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। ठीक है, देन अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 156। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है वो 156 आप खुद से ट्राई कर लोगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व किया है, इट इज़ 3825। अगेन वही चीज़ करनी है, सिंपल लॉजिक है, फैक्टराइज कर लो इसे। 38 को आप, क्योंकि आप यूनिट प्लेस पे क्या है पे आपका 5 है, तो 5 से पहले तो डिवाइड होगा। हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स से चेक करना होता है भाई, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 11। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। अब 3 से डिवीजन का जो मेथड, हम कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं हम ये कैसे चेक करते हैं, तो हम उसका क्या निकालते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिजिटल सम। अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो आप डिजिट्स ऐड करिए, यहाँ पे आप 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 यानी 18, 1 प्लस 8 आपका अगेन 9। इसका डिजिटल सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3825 डिवाइडेड बाई 3 आपको मिलेगा 1275। सो आप लिखोगे 3825, यहाँ पे आपका आएगा 3 एज अ डिवाइजर एंड 1275 एज अ क्वेश्चन। देन अगेन 1275 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, अगेन 15 इज डिविजल बाई 3। तो 1275 को आप 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 425। सो 1275 को आप क्या लिखोगे, 3, और यहाँ पे बॉक्स में लिखोगे 425। नाउ 425 का डिजिटल सम करिए, 425 का जब आप डिजिटल सम करोगे तो आपका आएगा 5, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो किससे होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे आपके पास 5 है, तो ये नंबर पूरा का पूरा किससे डिवाइड होगा, 5 से आपका डिवाइड होगा। नाउ
अगर आप 4 to 5 को 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 85। सो 4 to 5 को आप रिप्रेजेंट करोगे लाइक 5 and 85, देन 85 डिवाइडेड बाई 5, 5 into 17। देयरफोर जो आपका प्राइम फैक्टर हो गया वो क्या हो जाएगा, 3824 इज नथिंग बट 3 into 3। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये चीज़ यहाँ तलक आपको ले लेनी है। सो 3 into 3 into 5 into 5 into 17, और यू कैन रिप्रेजेंट इट एज 3 square into 5 square into 17। ठीक है, जो बाकी जो मैंने दो क्वेश्चन आपके छोड़ दिए हैं वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is the product of two numbers। जो आपके नंबर दिए हुए जैसे यहाँ पे आपको 26 and 91, 510 and 92, 336 and 54, इन सारे का हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है, और हमें प्रूव करना ये वाला थ्योरम कि LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे वो हम वही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा, फैक्टर ट्री मैथड। फैक्टर ट्री मैथड कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे वो देख लीजिए। नाउ यू हैव 26, तो 26 को यू कैन राइट इट एज 2 and 13। तो 26 के दो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 और 13। देन अगेन 91 के भी दो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 7 and 13। सो यू कैन राइट 26 इज इक्वल टू 2 into 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 into 13। तो अगर आपको LCM लेना होता है तो LCM में क्या करना पड़ता है, पहले वो नंबर्स दोनों में से देखिए, यहाँ पे आपको किसका 26 and 91 का LCM फाइंड आउट करना है। तो आप पहले दोनों चेक करो, इन दोनों के प्राइम फैक्टर जो निकाले उसमें कॉमन क्या है। तो आपके पास कॉमन 13 है तो हमने यहाँ पे एक 13 लिख दिया, और कुछ कॉमन दिख रहा है आपका, नहीं दिख रहा है। अब जो अनकॉमन चीज़ें बची हुई उनको भी साथ में आप क्या कर लोगे, नीचे कॉपी कर लोगे। जो आपने 13 कॉमन लिया तो बचा आपके पास क्या 2 and 7 ना, तो 13 कॉमन लिया, कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिखा, देन इंटू 2 into 7 यू गॉट 182। ना अब HCF फाइंड आउट करना है। HCF में क्या होता है, जो दोनों नंबर्स आपने लिए हुए हैं दोनों डिजिट में जो कॉमन चीज़ होती है वही उसका HCF होता है। इन दोनों में 26 एंड 91 में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 13 कॉमन दिखाई दे रहा है। दैट्स वाई द HCF ऑफ 26 एंड 91 इज नथिंग बट 13। ओके, ना हमें ये वेरीफाई करना था कि LCM इंटू HCF इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आपके पास देखिए LCM मिल गया है, LCM इज 182, HCF इज 13। सो LCM इंटू HCF हो जाएगा 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, आपको आंसर मिलेगा 2366। एंड किसका LCM और किसका HCF था, ये तो 26 एंड 91 का LCM था 182 एंड HCF था 13। तो उन दो नंबर्स को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई किया, यू गॉट अगेन 2366। देयरफोर LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो गई। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द LCM, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फैक्टर ट्री मेथड यूज़ कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए 12 and 15 and 21, आपके पास तीन नंबर है, 12 है, 15 है और 21 है। चलिए तो यहाँ पे फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करते हैं। 12 का फैक्टर हो जाएगा 26, देन 6 का हो जाएगा 23। तो आपके पास 12 के कौन कौन से फैक्टर आ गए, 2 into 2 into 3। अगेन 15 के फैक्टर हो गए 3 into 5। 21 का फैक्टर हो गया 3 into 7। ओके, नाउ अब हमें निकालना है इनका LCM। तो LCM कैसे फाइंड आउट करना, देखिए 12 के आपने फैक्टर लिख दिया 2 into 2 into 3, 15 का फैक्टर लिख दिया आपने 3 into 5, एंड 21 का फैक्टर आपने लिख दिया 3 into 7। तो पहला LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो चीज़ें कॉमन है, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 3 तीनों में कॉमन था, हमने एक लब लिख दिया 3। अब जो अनकॉमन फैक्टर बचे उनको एक साथ लिख देना है। नाउ फर्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए, जब आपने 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या आपका 2 into 2 हमने लिख दिया यहाँ पे। देन सेकेंड लाइन में आपने 3 कॉमन लिया तो बचा क्या आपका 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। देन थर्ड लाइन में आपका कॉमन 3 लिया, आपने बचा क्या आपके पास 7, हमने 7 लिख दिया यहाँ पे। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यू गॉट 420। तो LCM जो हो गया 12, 15 and 21 का, वो हो गया आपका 420। और HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, तीनों को कॉमन क्या दिखाई दिया भाई, 3 दिखाई दिया। देयरफोर HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12, 15 and 21। ओके,
नाउ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया, बाकी के जो क्वेश्चन आपके हैं, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है 13, 23, 29, थर्ड है 8, 9 एंड 25, इसका आप खुद से ट्राई कर लोगे एलसीएम और एचसीएम फाइंड आउट करना, इजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, हमें फाइंड आउट करना है द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ओके नाउ वी नो दैट, हमने भी क्वेश्चन में प्रूव भी किया था, हमें पता है क्या कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब आपके जो नंबर दो दिए हुए हैं, वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 306 एंड 657। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, आपको पता नहीं है, एचसीएफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू दो नंबर्स, किसका एलसीएफ दिया हुआ है आपको, 306 और 657 का, देयरफॉर 306 मल्टीप्लाइड बाई 657, सो एलसीएम इंटू 9 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 657, विच इज क्लियर है। ओके अब देखिए, अब ये 9 आपका यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, एलसीएम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 और डिवाइडेड बाई 9, जो आप 306 को 9 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 34, देयरफॉर एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 34 इंटू 657 इट इज़ नथिंग बट 22338। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज 22338। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में 5, 6, 7 जो भी है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलिए, जय हिंद।